हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी सा पराठा। इस पराठे में चीज भी है, आलू भी है और प्याज का भी मजा है। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी पराठे बनी है। तो इसकी पूरी वीडियो आप फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे आप देख सकते हैं। प्लीज प्लीज फ्रेंड, जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को हो सके फ्रेंड तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। ये बहुत ही अच्छी टेस्टी पराठा है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी टेस्टी पराठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये पराठा बनाने में भी बहुत आसान है और फटाफट बन जाती है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने दो आलू ली हूँ, इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आलू में इसी समय हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। तो इसमें हम नमक टेस्ट के अनुसार नमक डाल देती हूँ। जितना आलू है उस हिसाब से मैं नमक डालना है। इसमें थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर डालेंगे जिससे कि काफी अच्छी टेस्ट आ जाती है। बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड। तो इसी समय हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे जिससे कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। साथ में थोड़ा सा हल्दी ऐड करूंगी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो एक पिंच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज की हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ये जीरा है इसे ऐड करूंगी। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें हम धनिया भी ऐड करेंगे। तो ये तो हमें मिक्स करके रेडी कर लेंगे। इधर हमने प्याज लिया है, प्याज और कुछ हरी मिर्च ली हूं। इस तरह से हम थोड़ा प्याज को रफली चॉप किया हुआ है। तो इसे अगर आप चाहे तो जितना बारीक काट सकते हैं आप बारीक काट लीजिए, और नहीं तो आप इस तरह से चॉपर में थोड़ा सा डाल के अच्छे से चॉप कर लीजिए। कुछ हमने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ली हूँ, इसे भी डाल दूंगी। इन सबको मुझे अच्छा सा एक बढ़िया सा क्रश करके, एकदम ही स्मूथ नहीं करना, एकदम ही बारीक नहीं करना, थोड़ा सा रखना है मोटा दरदरा सा। तो इसे भी तैयार कर लेते हैं। इधर हमने आटा लिया हुआ है। पराठे के लिए तो आटा चाहिए ही फ्रेंड। तो पराठों के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा का यूज की हूँ। अगर आप चाहे तो इस समय आप मैदे में भी पराठे को बना सकते हैं, लेकिन मुझे हेल्दी और टेस्टी पराठे बनाने हैं तो इसके लिए मैंने ये गेहूं का आटा यूज किया हुआ है। तो इतना आटा हमने लिया है, तो उसमें थोड़ा सा हमने ये धनिया और जीरा पाउडर ली हूँ। ये होममेड बनाया हुआ मेरा धनिया और जीरा पाउडर है। तो ये बराबर मैं कुछ भी सब्जी हो और जैसे मसाला धनिया यूज करती हूँ तो उसमें मैं ऐड करती हूँ। जितना आटा है उतना टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक लिया है। ये कलौंजी है, इसे ऑनियन सीड भी बोलते हैं। ये अजवाइन, ये दोनों बराबर है, आधी आधी चम्मच हमने लिया हुआ है। एक पिंच हमने हींग ली हूँ। हींग को भी मैं इस आटे में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लिया है हमने। तो इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये यहाँ पे हमने यहाँ घी ली हूं। घी को भी इसमें डाल देंगे, हल्का सा मोयन आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बनता है ये पराठे, जरूर आप भी ट्राई करके देखिए और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो ये तो सारा मिक्स हो गया सारा कुछ। यहाँ पे हमने बटर मिल्क लिया हुआ है। आप चाहे तो दही को अच्छे से फैट कर इस तरह से बटर मिल्क तैयार कर लीजिए। एक बाउल हमने बटर मिल्क लिया है और इसे जितना चाहिए उस हिसाब से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके
एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना करके रेडी कर लेते हैं। ये सब सारा प्रोसेस करने के बाद फिर आपसे हम मिलते हैं फ्रेंड। तो हमने ये आलू को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ सारे मसाले के साथ। प्याज को भी हमने इस तरह से इतना बारीक कट कर लिया है। आटा को भी गूंद करके हमने इस तरह से कवर करके रेस्ट पे 5 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ दी थी। अब आगे का हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इन सबको साइड करूंगी। ये पराठे जो है बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छे पराठे बनते हैं, तो इसे एक बार जरूर आप भी ट्राई करके देखिए, मजा आ जाएगा। इस तरह से बनाकर आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो हम थोड़ा सूखा आटा लेंगे, हाथ में डिप करूंगी और ये आटा को हल्के हाथ से मसल दूंगी। आटा को जब मैंने लगाया था उस समय हल्का सा ऊपर से ऑयल अप्लाई करके 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ दी थी हमने आटे को। तो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है और एक पराठे के साइज का जितना बड़ा आपको पराठा बेलना है। ये पराठा थोड़ा बड़ा ही बनता है, थोड़ा मोटा और बड़ा ही बनेगा, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए एक आटे का इतना बड़ा लोई ले लेंगे। इसे सूखे आटों में इस तरह से हम डिप करेंगे। उसके बाद एक पतली सी चपाती बेलकर रेडी करेंगे इस तरह से। तो इतना पतला आप देख सकते हैं कि मैंने बेल करके रेडी किया हुआ है। इस समय इसी तरह से बेलने के बाद एक पे हम थोड़ा सा पहले कट लगाऊंगी। एक सीधा सेंटर से हमने देख सकते हैं कि हमने इतना कट लगाया हुआ है। एक पोर्शन में ये सेजवान सॉस है, इसे अप्लाई करेंगे। पूरे वीडियो आप फॉलो करेंगे तभी ये टेस्टी और अच्छी सी पराठा बनकर के रेडी होगी फ्रेंड। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को पूरा जरूर जरूर फॉलो कीजिए। एक पे इस तरह से हमने आलू लिया हुआ है, आलू को फैला देंगे एक पोर्शन में। तो देख सकते हैं कि साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है और इस तरह से आलू को फैला दी हूं। आलू को एकदम ही लम्स नहीं होना चाहिए, गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो बेहतर होगा आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। आलू फैलाने के बाद यहाँ पे हमने ये प्याज लिया हुआ है, इसे डाल दूंगी। प्याज को लास्ट वाले में डालेंगे फ्रेंड, ताकि इसे फोल्ड करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह हमने प्याज को थोड़ा सा प्याज लेके फैला दी हूं। बाकी का जो एक पोर्शन खाली है इसमें हमने ग्रेटेड चीज लिया हुआ है, चीज को इसमें डाल दूंगी। बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी ये पराठे बनेंगे। आप भी जरूर जरूर ट्राई कीजिए और हमें भी अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए। फूड एंड क्राफ्ट विद मीनू चैनल पे बहुत सारे रेसिपी आपको क्राफ्ट के और हमारे स्नैक्स आइटम बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये हमने चीज को भी अप्लाई कर दी हूँ। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लेंगे, चिली फ्लेक्स को इस पे हल्का स्प्रिंकल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। अब एक पोर्शन को इस तरह से उठाऊंगी आलू के ऊपर, इस तरह से रख देना है। फिर ये पोर्शन उठाते हुए चीज के ऊपर कवर कर दूंगी, साइड साइड से दबाते भी जाऊंगी। ये प्याज वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं इसमें इस तरह से उठा के दबा दूंगी। इससे क्या होगा, अच्छे से पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा अच्छे से पैक हो गया।
ये पैक होना बहुत जरूरी है। सूखा आटा इस तरह से इसके ऊपर डस्ट करेंगे और हाथों से ही हल्का इसे फैलाने की कोशिश करूंगी। जितना आप हल्के हाथों इसे फैला लेंगे अच्छा रहेगा। थोड़ा आटा और इस पे आटा डाल के इस तरह से फैलाने से ना काफी अच्छा सा फैल जाता है, तो इसे हम हल्का हल्के हाथों बेलेंगे और नहीं तो ये टूटने भी लगता है। तो देख सकते हैं ये पराठे को हमने इस तरह से बेल ली, बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छा पराठा बेल लिया है हमने। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा इस पे भी धनिया पाउडर पत्ती डाल करके हल्के हाथों इसे दबा दीजिए, हल्के बेलन चलाकर। इस पराठे को साइड में रखूंगी और इसी तरह से और भी जो पराठे हैं उसे बना करके बेल कर रेडी करती हूँ। तो दूसरा पराठा भी आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे फोल्ड करना है। इसमें सेजवान चटनी, आलू और ये चीज और ये प्याज के टुकड़े, इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। पहला लेयर, इसको दूसरा ऐसे करूंगी और साइड से इस तरह से पैक करती जाऊंगी। तीसरा इस तरह से, इन सबको इस तरह से पैक कर लेना है और हल्के हाथों हमें बेल करके तैयार करना है। एकदम ही इस पे आटा, सूखा आटा इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और इसे बेल करके रेडी कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छे पराठे बनते हैं फ्रेंड, आप भी जरूर ट्राई कीजिए और हमें भी अपना फीडबैक कमेंट जरूर जरूर दीजिएगा। इस तरह से हमें बेल लेना है बहुत ही आराम से, सावधानी से। तो ये पराठे तो बेल गए, बेलने के बाद ये हमने इस तरह से चूल्हे पे डाल दी हूँ पकने के लिए। तवा गरम करके हमने पकने के लिए रख दिया है। बहुत ही अच्छे से ये पराठे बन करके रेडी होंगे, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अब इस स्टेज पे हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें घी की जरूरत नहीं है फ्रेंड, अगर आप चाहें तो बटर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कुकिंग ऑयल फैलाऊंगी। इसे पलटते हुए अच्छे से सेक करके रेडी कर लेना है। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी पराठे बन करके रेडी हो जाएंगे। ये बनने में टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाता है। फूड एंड क्राफ्ट विद मीनू चैनल को प्लीज प्लीज फ्रेंड एक बार विजिट जरूर कीजिए। उसपे बहुत सारे अच्छे स्नैक्स और क्राफ्ट के रेसिपी हमने डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ है। तो आप एक बार हमारे वीडियो को जरूर से, चैनल को जरूर से विजिट कीजिए। इसे हमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट करके पका लेना है। और ये प्रेम पराठे जो है गर्मा गर्म ही बहुत टेस्टी लगते हैं, बनाइए और एंजॉय कीजिए। क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें जो चीज वगैरह जो हमने डाला है वो अच्छा नहीं लगता, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप पराठे जब भी खाना हो उसी समय आप बनाना स्टार्ट कीजिए। और गैस की फ्लेम हमेशा लो टू मीडियम ही रखिएगा जिससे कि पराठे अच्छे से अंदर तक सिक सके। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया ना, बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छा देखने में लग रहा ना यम्मी। हल्के हाथ इसे दबाते हुए सेक के रेडी कर लीजिए। तो ये पराठा तो हमारा रेडी हो गया, इसे मैं निकाल ली हूँ
और दूसरे पराठे जो है उसे सेक करके रेडी करती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा पराठा बनकर रेडी हुआ ना, देखने में काफी यमी और टेस्टी लग रहा है ना। तो दूसरे पराठा जो हमने बेला हुआ है उसे भी इस पे इसी तरह से सेक करके रेडी कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा पराठा बनकर के रेडी हो गया ना, काफी टेम्पटिंग, देखने में बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी पराठा बनकर रेडी हो गए। बहुत ही बढ़िया पराठा बना है फ्रेंड्स। इसके हर एक लेयर में आपको अलग अलग टेस्ट मिलेंगे, किसी में आलू और चीज प्याज इन सब का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है जब इस तरह से आप पराठे को बनाएंगे। इसके साथ एक्चुअली किसी चीज की तो जरूरत है नहीं, फिर भी आप चाहे तो सॉस या हरी धनिया की चटनी के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी पराठे बनकर के रेडी हो गई है। तो आपको कैसा लगता है मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे क्या देखना पसंद करते हैं मुझे वो भी बताइए, कौन सी रेसिपी आप देखना पसंद करते हैं, अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए। आपके फीडबैक और कमेंट्स की मुझे इंतजार रहती है। तो प्लीज फ्रेंड अपने फीडबैक और कमेंट हमें देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।